नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। एक भाई बोलते हैं मोहम्मद इमरान खान, इन्होंने बोला है सर मैं गोविंद सर्विट इंडिया में हूं, एक महीने की मेडिकल लीव पे था, मुझे मेडिकल बोर्ड में फिट अनफिट के लिए भेजेंगे, अगर मैं अनफिट हुआ तो दोबारा फिट होकर ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बत। तो भाई देखिए, पहली बात तो ये कि आपने सर्विस नहीं लिखा कि कौन से डिपार्टमेंट पर आप सर्विस करते हो। दूसरी बात, मेडिकल लीव पे होने का मतलब है कि आप बीमार थे, तो बीमार होने के बाद आपका अगर वो ऐसा कोई आपका जो गवर्नमेंट मान लीजिए जिस आप डिपार्टमेंट में जॉब करते हो कि वहाँ पे ऐसा कोई रूल है कि वहाँ पे आपका ज्वाइन होने से पहले मेडिकल होता है, तो मेडिकल में फिट हो गए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अनफिट होंगे तो आपको फिर और छुट्टी लेके आपका इलाज करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप उसकी अप्लाई करें, उसको फिट होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे लालमोहन बैरा जी बोलते हैं सर मेरा पासपोर्ट ईसीआर है, क्या मैं सिंगापुर जा सकता हूँ क्या? भाई देखिए, पासपोर्ट ईसीआर है और नॉन ईसीआर है, लेकिन एजेंटों के आप धक्के लगेगो ना, एजेंटों के धक्के लग जाओगे ना, तब उनके पास पासपोर्ट फटा हुआ भी उनको पकड़ा दोगे ना कि मेरे पास दो पन्नों का पासपोर्ट है, वो भी बोल देंगे आ जाओ सेटिंग से करवा दूंगा। सेटिंग बड़ी काम की चीज़ होती है क्योंकि सेटिंग में पैसे लेने होते हैं, समझ गए बात को? तो भाई पहली बात तो ये कि सिंगापुर का आप बचें तो बेस्ट होगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई जॉब है, कोई वीज़ा है, तो ईसीआर में भी जॉब मिल जाते हैं, लेबर कैटेगरी के जॉब है, बाकी 10वीं 12वीं मिनिमम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बोल रहा है कि मैं वीज़ा दे दूंगा, थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क रहें, बाकी आपकी आगे सोच। आगे एक भाई बोलते हैं अशरफ अहमद बोलते हैं सर सिंगापुर के लिए मेडिकल के बारे में बताएं, कैसे और कहाँ और कितनी बार होता है? ज़रूर आपको शरीफ अहमद जी किसी ने बोला है कि मेडिकल कैसे होगा और कितनी बार, कहीं आपने 2-3 बार तो नहीं करवा लिया? सिंगापुर का मेडिकल नहीं होता, इस बात को माइंड में बिठा लो कि यूरोप कंट्रियों का मेडिकल कहाँ होता है मेरे भाई, लेकिन लोग यूरोप कंट्री का ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी गलती होती है ना कि आपको भी फोकट वाला चाहिए। वीडियो में बार बार मैं बोलता हूँ कि फ्री वाला आपको, हर इंसान मरता कहाँ है लालच में, समझ गए? क्योंकि गलत में जाओगे आपको 20-25 हज़ार सैलरी मिलेगी, 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सिंगापुर नाम ही अलग है ना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दिल को तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है, समझ रहे हो? तो वहाँ जाने का आपका जी करता है, एजेंट बैठे रहते हैं, आ जाओ जी आ जाओ। आप बोलोगे ना सर मेरे पास 2 पन्नों का पासपोर्ट है, मेरा पन्ना फटा हुआ, तो भी वो बोल देंगे सेटिंग है अपनी, सेटिंग से सब कुछ करवा दूंगा, 10 हज़ार रुपये देने मात्र, बाकी कंपनी काट लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, आप लोग सिर्फ मेडिकल करवा लो, समझ रहे हो? और आप 7-8 हज़ार रुपये दे देते हो, और ऐसे कोई आपसे मांग ले ना तब 100 रुपये भी नहीं निकलता बंदे का, भिखारी आपसे मांग ले 10 रुपये तो आप नहीं दोगे और वहाँ ठगा लोगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये लालच होता है इंसान का। तो भाई थोड़ा ध्यान रखें, मेडिकल नहीं होता, अगर आपने करवा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करवाए तो नहीं करवाएं, ठीक होगा आपके लिए। सरवर हसन बोलते हैं सर मेरा कद थोड़ा छोटा है, मैं परफेक्ट हूँ ड्राइवरी में सऊदी अरब। भाई देखिए, ड्राइवरी के लिए गवर्नमेंट नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रूल ऐसा बनाया है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए तभी आप ड्राइवरी कर सकते हो? नहीं, इंडिया के अलावा बाहर कंट्रियों में ऐसा कोई रूल अभी तक बना है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, 5.5 जो भी इंच होती है फुट वगैरह, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको अगर ड्राइवरी आती है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप कोई भी कंट्री में ड्राइवरी का वीज़ा अप्लाई करके बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकायदा आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, मैंने आंसर देने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ ऐसे टॉपिक पर सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपको जीवन में जब भी कभी विदेश से रिलेटेड कोई बात हो तो आपको धोखाधड़ी का शिकारों से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।